हेलो फ्रेंड्स, आप अगर स्टूडेंट है तो इस सिंबल को तो आप जानते होंगे, ये है पाई। आज हम इसी पाई के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। मेरा नाम शादाब है और आप देख रहे हैं कैमशाद यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग सोचते होंगे कि पाई तो एक सिंपल सिंबल है, इसमें बताने लायक क्या है, लेकिन ऐसा है नहीं है। जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। हम सभी लोग पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं या ज्यादा से ज्यादा 3.1415 लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हाँ, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। हम सभी जानते हैं कि पाई एक मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट नंबर है और ये सर्कल से रिलेटेड नंबर है। अगर हम सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करें तो हमें पाई की अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह पाई का फॉर्मूला बनता है, पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। हर साल 15th मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका बर्थडे भी 14th मार्च को आता है। ये 14th मार्च पाई की 3.14 वैल्यू को शो करता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट के बाद कभी भी एंड नहीं होता और इसके डिजिट भी बार बार रिपीट नहीं होते। हम कभी भी इस कांस्टेंट नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, इसलिए इस कांस्टेंट नंबर की जगह पाई सिंबल का यूज होता है। पाई सिंबल का सबसे पहले यूज विलियम जोन्स ने 1706 में किया था, लेकिन इसको फेमस एल यूलर ने बनाया। पाई एक ग्रीक अल्फाबेट का 16th लेटर है और पी ये भी इंग्लिश अल्फाबेट का 16th लेटर है। आइए पाई के हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले पाई वैल्यू का यूज 4000 ईयर्स पहले इजिप्ट और बेबीलोन के लोगों ने किया था। बेबीलोनियन पाई की वैल्यू 25/8 मतलब 3.125 लेते थे और इजिप्शियन पाई की वैल्यू उससे थोड़ा और एक्यूरेट 4/3 का होल स्क्वायर मतलब 3.1605 लेते थे। अभी तक जो पाई की वैल्यू निकाली जा रही थी वो एक बेसिक ऑब्जर्वेशन के तौर पर निकाली जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया आर्किमिडीज ने। इन्होंने ये फाइंड किया कि पाई की वैल्यू 3.10/71 से ज्यादा है, लेकिन पाई की वैल्यू 3.1/7 से कम है। आर्किमिडीज ने पाई की जो वैल्यू फाइंड की थी वो सिर्फ 3 डिजिट तक थी, लेकिन इसके बाद 5th सेंचुरी में इंडिया के बहुत ही एक बड़े साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 4 डिजिट तक फाइंड कर दी, मतलब 3.141। और फिर आए चाइनीज मैथमेटिशियन जू चोंगजी, इन्होंने पाई की वैल्यू 355/113 निकाली मतलब 3.1415926। इनकी पाई की वैल्यू थोड़ा और एक्यूरेट थी और इन्होंने पाई की 7 डिजिट तक एकदम करेक्ट वैल्यू फाइंड की। और इसके बाद 14th सेंचुरी में एक बहुत ही बड़े इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम माधवा था, इन्होंने पाई की 11 डिजिट तक वैल्यू फाइंड की और इन्होंने पाई को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया। और इसके बाद 15th सेंचुरी में अरब के एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन जिनका नाम जमशेद अल काशी था, इन्होंने पाई की 38 डिजिट तक वैल्यू एकदम करेक्ट फाइंड की। और 17th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट न्यूटन, इन्होंने पाई को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जो है π/6 (sin inverse of 1/2, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके आप पाई की वैल्यू केवल 15 डिजिट तक ही फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद 18th सेंचुरी में आए एल यूलर, इन्होंने पाई को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया और ये फॉर्मूला था π² / 6 (1+1/2² + 1/3² + 1/4² + ……। आप इस फॉर्मूले में जितनी ज्यादा वैल्यू पुट करते जाएंगे पाई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आपको एक्यूरेट मिलती जाएगी। और इसके बाद 1914 में इंडिया के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन जिनका नाम है रामानुजन, इन्होंने भी पाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया। 2002 में एक जापानीज ने एक पावरफुल कंप्यूटर की मदद से पाई की वैल्यू 1.24 ट्रिलियन डिजिट तक फाइंड की। 1995 में जापान के हिरोकी गोकू, जिन्होंने पाई की वैल्यू 42,195 डिजिट तक मेमोराइज की। लेकिन 2005 में चाइना के चाउलू, जिन्होंने पाई की वैल्यू 67,890 डिजिट तक मेमोराइज की। इन्होंने प्लान किया था कि ये 93,000 डिजिट तक बोलेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं बोल पाया और ये रिकॉर्ड काफी सालों तक चलता रहा। लेकिन मार्च 2015 में इंडिया के राजवीर मीना, जिन्होंने पाई की वैल्यू 70,000 डिजिट तक मेमोराइज की और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। आपको तो पता ही होगा कि एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 360 ये जो नंबर है ये पाई के 359 डिजिट के पोजीशन का नंबर है। 11th मार्च 2009 को अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाई डे मतलब 14th मार्च को हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था। 2005 में इंग्लैंड के बैरली फील्ड में एक क्रॉस सर्कल पाया गया जिसका डायमीटर 150 फीट है और खास बात यह है कि यह सर्कल पाई के फर्स्ट 10 डिजिट को शो करता है। तो फ्रेंड्स, पाई के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको भी पाई के कुछ ऐसे फैक्ट्स पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी।